अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर एक खातून के बारे में, इनकी मशकूक कहानी पर, जिसकी कहानी को भारतीय मीडिया पर पिछले चंद रोज से बहुत तोड़ दी जा रही। सीमा एक 27 साल औरत है जो चंद रोज पहले अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया बगैर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके भाग। अब काबिल फिक्र बात यह है कि ये जो है इनकी शादी हुई थी पाकिस्तान में एक गुलाम हैदर नामी शख्स के साथ। ये पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों से कराची में एक मुकीम थी और इनका दावा है कि इनको पबजी खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसी पबजी गेम के ज़रिए इनकी मुलाकात इंडिया में रहने वाले मकीब सचिन के साथ हुई और उसी गेम को खेलते हुए दौरान इनको उससे प्यार हो गया और ये उसी के चलते हुए इंडिया पहुँच गई। ना सिर्फ ये बल्कि इनसे प्यार करने वाले एक और भी दावेदार हैं जिनका नाम है उसामा। उसामा का दावा ये है कि सीमा हैदर नामी लड़की उनसे भी बात करती थी और उनका ये भी दावा है कि ना सिर्फ उनसे बल्कि कुछ चंद और लड़के हैं जिनसे ये बात करती। इनको ना सिर्फ पबजी खेलने का शौक़ बल्कि क्रिकेट का भी हर हद तक शौक़ और उनका दावा ये है कि ये इंडिया में वर्ल्ड कप देखने के हवाले से ही गई हैं। इनको वर्ल्ड कप देखने का शौक़ है और उनका दावा ये है कि वर्ल्ड कप देखने के बाद ये वापस उस सचिन नामी शख्स को ही छोड़कर पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन अब काबिले और बात ये है कि इंडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एक जासूस है जो इंडिया आकर किसी मिशन पर काम करने वाली है। लेकिन अब बात ये है, सीमा की शादी जिस इंसान से हुई है गुलाम हैदर, वो इनकी अपनी पसंद की शादी, तो अगर पसंद की शादी थी तो इसका मतलब ये है कि अगर सीमा 4 बच्चों के बावजूद अपने पसंदीदा शादी किए हुए शौहर को छोड़ सकती है तो इनका आगे का भी कोई भरोसा नहीं। उसामा का ये दावा है कि ये इतनी बुरी हद तक क्रिकेट का और इनको बाकी वीडियो के उसका शौक था कि ये किसी भी हद तक जा सके। ये इतना प्यार करती थी इन सब गेम्स, वो इंडिया जो पाकिस्तान से उड़े जाने वाले कबूतर पर भी इंक्वायरी अपनी नहीं रोकता, तो सीमा हैदर जैसी जीती जाती लड़की पर इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती। सीमा और सचिन को कुछ अरसे के लिए इंडिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकिन कुछ ही टाइम बाद इनको भारतीय हाई कोर्ट में इनको रिहाई दे दी गई और यहाँ अब इस वक्त वो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रही। अब बात ये है कि ये सीमा आखिर है कौन, पाकिस्तान में कितने अरसे से रह रही थी और ये पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से भेजे जाने के कौन से मिशन पे काम कर रही थी, ये तो वजह है। सीमा हैदर पहले दुबई से नेपाल और नेपाल से बस के ज़रिए इंडिया बगैर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की गए। अब हकीकत तो ये है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि सीमा हैदर आखिर है कौन और इसकी हकीकत क्या है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। लेकिन इनके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है कि आखिर ये है कौन और आगे इसका प्लान क्या है, क्या वाकई ये इंडिया वर्ल्ड कप देखने गई है या वर्ल्ड कप के बाद ये पाकिस्तान वापस पहुँचे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा।